नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश, आपके साथ मैं हूं शिल्पी। बुलेटिन में सबसे पहले बात हम ग्रेटर नोएडा की करने जा रहे हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने 12 लाख की लूट को अंजाम दिया है। और ये वारदात हुई है बादलपुर कोतवाली के कूड़ीखेड़ा मोड़ के पास, जहां शराब ठेके का पैसा लेकर जा रहे व्यापारियों को बदमाशों ने निशाना बनाया और 12 लाख रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने एक युवक को गोली भी मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली लगने से 2 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। और ग्रेटर नोएडा में बीते 3 दिनों में बेखौफ बदमाश लूट की 6 वारदात को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये चड्ढा ग्रुप के गनमैन के साथ एक बलेरो गाड़ी से अपनी दुकानों से कलेक्शन लेके आ रहे थे। अपोजिट साइड से आती हुई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, उसमें सवार बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक किया और उससे उतर के गनमैन ड्राइवर और गनमैन को कवर कर लिया। उसके बाद गोली चलाई और उसमें रखे हुए बैग को लेके भाग गए। इसमें ड्राइवर को गोली लगी, रास्ते में ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई।